जिम माई की सभी मित्रों को। दोस्तों, इस समय बहुत लोग कोरोना की वजह से परेशान हैं और कई लोग सही भी हो गए हैं। तो देखिए, मैं एक बात बताऊं, जो इतने सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं और जहाँ तक हो सक रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही हो जाएं सब लोग, तब मैं आपको एक चीज़ बताऊं मित्रों, आप इसको मानिए या मत मानिए, पर ये बात ज़रूर है कि कम से कम 50-70% लोग तो डर से मर रहे हैं। क्योंकि आदमी में जब डर बैठ जाता है ना, तो उसकी सारी पावर ख़त्म हो जाती है। और एक चीज़ और, आदमी भगवान में विश्वास नहीं करने ज़्यादा, देखा मैंने, आपको मालूम है। यदि आपको अपने इष्ट पर, अपने पितरों पर, अपने घर के देवताओं पर, अपने कुल देवता पर, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है, तो आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी इस चीज़ से निकल जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। कुछ नहीं होता आपको, कुछ भी नहीं होता। तलवार की चोट सुई की नोक पे निकल जाती है। और ऐसा एक नहीं, मैं आपको बाद में उन कई लोगों के उदाहरण दूंगा और कई लोगों से बातचीत भी हो सकता है चैनल पर ही कराऊँ, जो बाहर के भी हैं और मेरे साथ के भी हैं, आराम से इन चीज़ों से बिल्कुल डेंजर स्थिति से बाहर निकल के सही हो गए। क्यों? उनको अपने इष्ट देवता पे या किसी पर, किसी को मुझ पे भी, अपने गुरु पर भी विश्वास था पूर्ण। तो विश्वास रखिए, भटकिए मत। आप इस चीज़ पे इतना ज़्यादा विश्वास कर लिया कोरोना पर, आपने इतना भय मतलब अपने अंदर बना लिया, कुछ भी नहीं है। आपको इस चीज़ को बताऊँ, आपको इस समय एक चीज़ और हो रही है, इस समय जो आप भी समझ गए होंगे, आदमी किसी भी बीमारी से मर रहा है ना, और वो यदि अस्पताल में जाके मर गया तो वो कोरोना का ही नाम आता है आपका। कई लोग मैंने देखे हार्ट अटैक से मर गए थे, जिनको 70-80 साल के थे, प्रॉब्लम थी हार्ट की, उनको अचानक हार्ट अटैक आ गया और मर गए। जबकि वो नॉर्मल ऐसा सैकड़ों केस, हज़ारों केस भारत में होते हैं हर महीने, तो वो उसमें कोरोना में गिना जा रहा है, तो उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों में डर व्याप्त हो रहा है कि ये कोरोना से मर गया। ऐसा नहीं है मित्रों, कई तो नॉर्मल भी हैं जो मर रहे हैं, संख्या जिनकी वो चली रही है रेगुलर, जो सालों से उस संख्या में मरते आ रहे हैं, हार्ट अटैक से, या किसी को शुगर का, डायबिटीज है कोई भयंकर हो गई, किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है, बीपी की वो उसकी बिगड़ गई, किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई, तो उस तरह से मरे हुए लोगों को भी कोरोना में गिरना है लोग बाग, तो डर व्याप्त हो गया है। चैनलों ने, न्यूज़ों ने उल्टा सीधा दिखा करके आपके अंदर भय प्राप्त कर दिया है। मत देखिए ऐसे, इससे आप डरेंगे और उल्टा डरेंगे। और कई लोग तो इतने कमज़ोर मन शक्ति के होते हैं कि खाली उनको कोई भी बीमारी उनको बता दिया जाए तो वो तुरंत ही डर जाते हैं। तो उनके लिए तो जरा सी खांसी भी आ जाए और उनको मालूम पड़ गया कोरोना है, तो वो तो वैसे ही डर के मर जाएंगे। तो अपने मन में भय प्राप्त मत करिए, अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर, अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास रखिए। अब बिल्कुल स्वस्थ और चंगे हो जाएंगे, या कैसा भी बीमारी आ जाए, कैसी भी चीज़ आ जाए, कुछ भी नहीं होने का है आपको, बस विश्वास फलदायक। हम आपको मालूम है, बाद में डालूंगा, हो सकता है उनसे बात भी रहा हूँ, कई लोगों ने तो ऐसी चीज़ें देखी हैं जगते हुए इस बीमारी में, कि साक्षात यमराज उनके दरवाजे पर आकर के और उनको देख करके चले गए। एक नहीं जाने कितनी घटनाएं हुई हैं, आई हैं मेरे पास, और उनकी स्थिति बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी, तो उनके घर के देवता ने, जिनकी कृपा थी, तो वो लोग बहुत आसानी से उस चीज़ से बाहर आ गए जल्दी से। तो आप समझिए इस चीज़ को कि आपको विश्वास होना चाहिए। वो सब ऐसे लोग हैं जिनके संग भी ये इंसिडेंट हुआ है, वो सब विज्ञान और साइंस पर उतना विश्वास नहीं करते जितना भगवान पर करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है वो चीज़। और एक बार बताऊँ आपको, अगर किसी चीज़ पर विश्वास है तो वो चीज़ आपको बचा के ले जाएगी किसी भी मुसीबत से। आपको मालूम है, जैसे किसी को मालूम है, जैसे बच्चे होते हैं कि मेरे पापा तो सुपरमैन है, अगर उसको मालूम है मेरे पापा सुपरमैन है और वो अपने पापा के संग जा रहा है, तो उसको मालूम है उसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे संग सुपरमैन है, तो वो समझ लीजिए मेरे संग ही मैन है। तो वो समझिए ना आप उस चीज़ को, कि वो विश्वास है कि उसको कुछ नहीं होगा। तो सब चीज़ें होती हैं, बच्चा मम्मी के पास कितना सुरक्षित महसूस करता है, जितना सुरक्षित संसार में किसी के पास महसूस नहीं करता, तो वो विश्वास है उसका मम्मी के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर वो विश्वास है उसका।
तो वो सब चीज़ें समझिए आप, उल्टी सीधी चीज़ों को ध्यान मत दीजिए, उन चीज़ों से ध्यान को हटाइए, डाइवर्ट करिए। मैंने ऐसे ऐसे, मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने ऐसे ऐसे केस देखे, वो भयंकर सीरियस स्थिति थी, लेकिन उन्होंने घर में ही आराम से बिल्कुल सही हो गए, बिल्कुल मालूम भी नहीं पड़े कब बीमारी आई कब चलेगी, और सीरियस वाली मामला उनका फेफड़े तक पहुँचने के बाद भी बिल्कुल आराम से सही हो गए, गर्म पानी से, केवल गर्म पानी से, नमक डाल के, हल्दी डाल के, नमक समझ लीजिए, नींबू के साथ कभी गर्म पानी, और केवल पैरासीटामोल, और अगर गले में इन्फेक्शन कोई हो जाता है तो सेंधा नमक डाल के और गुनगुने पानी में, और उसको चाय की तरह पिए, और चाय अगर पीना जानते हैं तो चाय को ज़रा बढ़ा दें, जैसे दो चाय पीते हैं तो चार चाय पिए सुबह सुबह दोपहर शाम, ऐसे करके तो बिल्कुल उसका, और जो मसाले होते हैं चाय में, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, सौंठ, अदरक, इलायची, अगर ये इसकी कड़क चाय बना के पियेंगे तो कैसी भी गले में इन्फेक्शन, कैसी भी बीमारी का वो हो, सर्दी के लक्षण सब ख़त्म हो जाता है। आपको मालूम है, शायद आपको मालूम भी नहीं होगा इस बात को, कि कम से कम भारत की जो तिहाई आबादी है, या फिर तिहाई से भी ज़्यादा समझ लीजिए, 80-90% समझ लीजिए, वो आबादी इस चीज़ में हो करके और वापस आ गई है लौट करके, उनको मालूम भी नहीं पड़ा कब उनको ये चीज़ें हुई, कोरोना वगैरह, वो कब वो सही हो गए। तो ये बात ध्यान रखिए, जितना ध्यान उस पर डाइवर्ट करेंगे उतना ही आपको परेशानी पैदा होगी। मैंने तो ये देखा है कि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, जो लोग, कई लोग तो मैंने ऐसे देखे, जो आप सफाई समझ लीजिए, हमारे सफाई कर्मचारी समझ लीजिए, हमारे ऐसे लोग समझ लीजिए जो डेली का उनका काम है, दूध वाले वगैरह, ये ज़्यादा परेशान नहीं देखे मैंने, कहीं पर भी ज़्यादा परेशान नहीं देखे ये लोग, क्योंकि ये इनकी डेली रूटीन है, उनको बना कर रखा है उन्होंने, और उनको मालूम है कि कुछ भी बीमारी हो हमें जाना है, हमें काम करना है, तो उनको कुछ परेशानी नहीं देखी मैंने। हज़ारों में से एक ही ऐसा केस देखा होगा जिसको नगर परेशानी हुई, बाकी मैंने कभी इनके बारे में कोई नहीं सुना कि ना डेथ, ना कोई बीमारी, ना परेशानी, लेकिन जो घर में बैठे बैठे टीवी देखते रहे, सोचते रहे, उनको अवश्य परेशानी पैदा हो गई, उनको मैंने देखा परेशानी पैदा हो गई, भले उनका शरीर कितना भी स्वस्थ हो, लेकिन अगर मस्तिष्क बीमार हो गया तो सब कुछ बीमार हो गया। और समझ लीजिए, हो तो वही जो राम रचे राखा, अगर आपको अपने भगवान पर विश्वास है, इष्ट विश्वास है, और जहाँ पर कृपा राम की हुई, जहाँ पर कृपा करें सब कोई, और सब कोई करके का मतलब है हनुमान जी कृपा करें, माता बगलामुखी कृपा करें, वीर बाबा कृपा करें, महाकाली आ जाए, जब इतने तगड़े तगड़े देवता बैठे हैं, आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को टेंशन ले रहे हैं, इसका मतलब आप स्वार्थ बस पूजा करते हैं, आपको विश्वास ही नहीं है देवताओं के ऊपर। विश्वास होगा तो छोड़ दीजिए उस पर, कैसे आपको कुछ हो जाए यार, हम जाम देखते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। अपने नियम से, संयम से रहिए, और अपने जो बता रहे हैं लोग उस हिसाब से चलिए, डॉक्टर जो बताते हैं उस हिसाब से चलिए, थोड़ा सा गर्म पानी का सेवन, इतने बढ़िया बढ़िया डॉक्टरों ने आपको यूट्यूब वगैरह पर डाल रखी हैं चीज़ें, आप उनकी सलाह ले लीजिए ना, उनकी सलाह के ऊपर चलिए ना, कि गर्म पानी दो चार बार गरारे करें वगैरह वगैरह, कुछ नहीं होता है, उसी बेस पर चलिए आप, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। बाकी अगर आप डरेंगे तो आपके डर का फ़ायदा उठा करके व्यवसाय किया जाएगा, जमाना व्यवसाय करेगा, ध्यान रखिएगा ये बात, आपके डर का व्यवसाय होता है संसार में, और भय को भूत बना करके और फिर व्यवसाय होता है, क्योंकि रियलिटी तो बहुत ही कम है, इसलिए डरने का काम बिल्कुल नहीं है। आप इसको एक सर्दी जुकाम बुखार की तरह लीजिए, बाकी आप इसे इतना डेंजर तरीके से मत लीजिए। आपको मालूम है, इससे भयंकर तो निमोनिया का मामला था पहले, इससे भयंकर पोलियो का मामला था पहले, जिसमें कि अगर छूट गया तो वो, अगर चेन टूट गई तो चेन टूट ही चली जाती थी, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें और वैसे भी आपको मित्र मालूम है, हर 100-125 साल में एक महामारी, एक भयानक ऐसी वो आपदा आती है, वो मानव की मतलब ये संग लग गई है एक तरह से समझ लीजिए, और वो लाखों करोड़ों लोगों को काल का ग्रास बना के जाती है, क्योंकि मानव निर्मित गलतियाँ। आपको मालूम है, आपने सब ने मिलकर के पेड़ों को ख़त्म किया, जंगल आबादी ख़त्म की, आज हम उसी आबादी से जो वो पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती थी, आज हम वो खरीद रहे हैं, हम सिलेंडरों में प्राप्त कर रहे हैं आज वो, अगर वो होती तो ये दिक्कत ना आती। बहुत चीज़ें हैं, हमने नदियों को गंदा कर दिया, जहाँ का शुद्ध पानी हमको मिलता था। मुझे ध्यान है, आज से 30 साल पहले मैं जमुना नदी में जब जाता था तो एकदम कांच जैसा पानी था, हमें ज़मीन में पड़े हुए पत्थर भी दिखते थे, लेकिन अब वो हालत है, हमें
ऊपर का ही एक एक हमें उंगली डालने के बाद ही हमें नहीं दिखता कि क्या है उसमें हाथ डालने के बाद। तो ऐसी स्थिति नदियों की कर दी। एक सबक सिखा के जा रहा है कोरोना हमें सबको कि संभल जाओ, अभी वक्त है इंसानों, इससे भी बुरी स्थिति आ जाएगी, नहीं तो ऐसी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं। अभी तो पहाड़ों के नीचे कोई आपदा दबी हुई है, वायरस वो भी इंतजार कर रहा है मानव जाति का, तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन आप मजबूत बनिए। अब आपने ये चीज़ देख ली होगी कि आदमी के जो पुराने लोग होते थे वो मोटा खाना मोटा पहनना क्यों कहते थे, क्योंकि उनके अंदर इतनी पावर होती थी, इतनी इम्यूनिटी शक्ति होती थी उनमें कि वो सब चीज़ें झेल जाते थे बहुत आसानी से। ऐसी आजकल का आदमी इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो उन चीज़ों को झेल ही नहीं पा रहा है। चलिए मित्रों, जय माता रानी की। माता रानी आपको सबको खुशहाल लगे, डरने का कोई काम नहीं है, सब भगवान हनुमान जी बाबा सही करेंगे, सब माता रानी की वो करिए। मैंने जैसा कि आपको समय दिया, 2 महीने बाद से आपको सबको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक जी बिल्कुल घटता चला जाएगा। जय माँ भवानी, जय माता रानी की, जय माई की और चिंता ना काय की।